रानी लक्ष्मीबाई मूर्ति विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि लक्ष्मीबाई धार्मिक नहीं राष्ट्रीय शख्सियत हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है, हम 1857 की जो लड़ाई है उसे भूल नहीं सकते। अब इस मामले पर शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। क्या कुछ हाईकोर्ट ने कहा है, जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है, क्योंकि एक बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट ने की है। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट इस बात पर बिल्कुल नाराजगी जताई कि जिस तरीके से हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा था कि ये जो जमीन है जहां पर झांसी की रानी की मूर्ति लगानी वो डीडीए की है, ना कि वक्फ बोर्ड के शाही ईदगाह जो दावा कर रहे थे। इसके खिलाफ जो समिति है वो डबल बेंच के सामने पहुंची और जिस तरीके से उससे राजनीतिक धार्मिक रंग देने की कोशिश की उस पर कोर्ट ने सख्ती जाहिर की और साफ तौर पर माफी मांगने के लिए कहा। तो शाही ईदगाह की तरफ से समिति माफी मांग ली गई है और कोर्ट ने कहा कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि रानी की झांसी जो है वो हमारी ऐतिहासिक उनका महत्व है और कोई धार्मिक शख्सियत नहीं थी। 1857 की जो क्रांति है उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता। तो ऐसे में आप जिस तरीके से उसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं आप उससे बाज आए। अब इस मामले में जो सुनवाई है वो शुक्रवार को होगी और जो माफीनामा दाखिल किया गया है शाही जो दरगाह की तरफ से समिति की तरफ से उसको प्रकोर्ट विचार करेगा और शुक्रवार को इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कोर्ट के सामने बातें रखी गई हैं इसको आप धार्मिक रंग देने की कोशिश ना करें, वो वीरांगना है और उनका धार्मिक चीजों से कोई खास लेना देना नहीं है, तो ऐसे में इसे धार्मिक रंग ना दें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही गई है हाईकोर्ट की तरफ से कि रानी लक्ष्मीबाई मूर्ति को लेकर अगर मूर्ति होगी तो नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है, और जो 1857 की लड़ाई थी रानी लक्ष्मीबाई की और उसे नहीं भुलाया जा सकता, ये एक बड़ी लड़ाई थी और इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इससे दिक्कत क्या है ये समझ में नहीं आया। अब शुक्रवार को सुनवाई होगी।